तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ एनाकार्डियम ओरिएंटल को लाइन बाय लाइन एलएन कीनोट से एक्सप्लेन करेंगे। एक भी लाइन में प्रॉब्लम नहीं होगा, इस इतने अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है। एलएन कीनोट्स पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एकदम ट्रस्ट करके, एक बाय लाइन बाय लाइन आपको बता दूंगा हर एक चीज़ का मतलब। एकदम इजी हो जाएगा ये ड्रग पढ़ना एलेन कीनोट से। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एलेन कीनोट्स के रीअरेंज से पढ़ा रहा हूँ, रेड वाले बुक से। तो जिनके पास है बहुत अच्छा है, अगर चाहें तो वो लेके बैठ सकते हैं बुक को, नहीं भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ब्लू वाले बुक अगर पास में छोटी वाली, तो मैं जो लाइन पढ़ रहा हूँ उससे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका कॉमन नेम वो है मार्किंग नट, ठीक है। और एनाकार्डियेसी जो है इसका फैमिली है। ये तो हो गया फैमिली और कॉमन नेम के बारे में। अब आते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे, तो मेंटल जनरल्स पे। तो पहला लाइन है सडन लॉस ऑफ मेमोरी। तो जो मेमोरी है, जो दिमाग में कुछ चीज़ स्टोर है, वो अचानक से लॉस हो जाता है, याद ही नहीं आता है कि कुछ था। मान लो कि कल हम कुछ चीज़ की और आज हमको याद ही नहीं है क्या है। कुछ देर पहले कुछ चीज़ की है और पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, किसी का तुरंत कुछ भूल गए, नाम भूल गए, कुछ भी भूल गए। तो एनाकार्डियम लॉस ऑफ मेमोरी बहुत अच्छा काम करता है। ये तो एक इसका क्लिनिकल भी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये ब्लैक में ऐसे भी लिखा हुआ है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी मतलब यही हुआ, अचानक से जो है दिमाग जो है वो भूल जाता है, कुछ भी स्टोर नहीं कर पाता है। एवरी थिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम। जो भी कुछ हम लोग सोचते हैं वो लगता है कि सपना है, वो चीज़ सपना है, कुछ भी चीज़ रियल नहीं लगता है, सब चीज़ लगता है कि ये सपना है। फिर पेशेंट इज़ ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट इज फॉरगेटफुलनेस। अब क्या होगा अगर वो सब चीज़ भूल रहा है, तो पेशेंट क्या होगा, दिमाग से भी वो सोचने लगे कि अरे हम तो सब कुछ भूल जा रहे हैं, हमको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। तो इसके चलते वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, ट्रबल हो जाएगा, उसका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, वो बार बार सोचेगा कि मेरा बीमारी क्या हो गया उसको। कन्फ्यूज़ अनफिट फॉर बिजनेस। वो आदमी जो है जिसका मेमोरी लॉस हो जा रहा है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, किसी चीज़ को वो रिमेम्बर नहीं कर पाता है, कुछ भी उसका अगर कोई बैलेंस चेक करना है या फिर कुछ भी करना है, लिखा पढ़ी करना है एक बिजनेस के लिए, सब कुछ भूल जाता है, कन्फ्यूज़ रहता है, इसलिए वो अनफिट फॉर बिजनेस हो जाता है। वो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन ये सब याद नहीं रखता, उसके कारण वो बिजनेस के लिए अनफिट हो जाता है, वो बिजनेस नहीं कर पाता है। सेकेंड लाइन है डिस्पोज टू बी मेलिशियस सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस। तो वो डिस्पोजिशन है ना कार्डियम कैसा होगा, डिस्पोजिशन मतलब वो बार बार उसका टेंडेंसी क्या होगा करने का, वो हार्म करना चाहेगा दूसरे पर्सन को, मेलिशियस रहेगा, वो हार्म करना चाहेगा, वो बुरा चाहेगा दूसरे पर्सन का। सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस, हमेशा वो विकेड रहेगा, उसमें अंदर से दूसरे पर्सन के लिए कभी भी अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, हमेशा चाहेगा कि उसको हम क्षति पहुँचा दें, हार्म कर दें, या फिर उसका कुछ बुराई कर दें, कुछ बुरा कर दे उसके चलते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सिम्टम, डेट इज इररेसिस्टिबल डिजायर टू कर्ज एंड स्वेयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इररेसिस्टिबल डिजायर, वो खुद से नहीं करता, अपने आप उसके अंदर से ही सबको वो कर्ज करता है, मतलब उसको सबको वो श्राप देते रहता है, ठीक है। एंड स्वेयर, वो हमेशा कसम खाता है अपने आप, जैसे माँ कसम ये नहीं हुआ, बहन का कसम, पापा का कसम हम नहीं किए हैं, हम ये किए वो किए, मतलब कसम अपने आप वो खा लेता है, वो इंटेंशनली नहीं करता है कि हम इसका कसम खा रहे हैं, वो कसम सब बात पे कसम खा रहा है, दूसरे को गाली दे रहा है, कर्ज कर रहा है, गरिया रहा है, या फिर उसको बोल रहा है, कुछ श्राप कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो बोलते ही जा रहा है, हमेशा वो बोलता ही है, ठीक है। दिमाग से नहीं सोच के वो उसके अंदर से ही निकल जाता है, इररेसिस्टेबल, वो उसको बंद नहीं कर सकता है वो। और भी सारे मेडिसिन है, लाइक एनएनएम, लिलियम टिक, नाइट्रिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। और एक लाइन दिया हुआ है वॉन्ट्स टू प्रे कंटिन्यूली, वो स्टारमोनियम है, हमेशा बस प्रार्थना ही करना चाहता है सबके सामने, तो वो स्टारमोनियम मेडिसिन है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, उसको अपने में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही दूसरे में कॉन्फिडेंस है, वो बोलता है ना मेरे को अपने विश्वास है ना दूसरे पे विश्वास है, उसका माइंड ही नहीं काम करता है, मेमोरी ही उसका लॉस हो गया, कहाँ से उस पर कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरे को वो कर्ज कर रहा है, गाली दे रहा है, तो दूसरे पे भी क्यों ट्रस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस क्यों करेगा। फील्स एज दो ही हैड टू विल्स, वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड्स। उसको लगता है कि उसमें दो आत्मा है, दो शक्ति है, एक बोलता है कि ये काम करो, दूसरा बोलता है ये काम नहीं करो, यही वहां पे बोल रहा है। व्हेन वॉकिंग इज एंशियस एज इफ समवन वेयर परसुइंग हिम,
वो जब चलते रहता है तो वो सोच में पड़ते रहता है, उसको ऐसा लगने लगता है यार कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, जबकि उसके पीछे कोई नहीं चलते रहता है। सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम, उसको लगता है कि सब कुछ उसी के अगल बगल, या वो कुछ सोच रहा है किसी पर्सन के बारे में या कोई चीज़ के बारे में, जबकि वो चीज़ उसके अगल बगल नहीं है, वो पर्सन उसके अगल बगल नहीं है, तब भी वो सस्पेक्ट करेगा कि सारा चीज़ उसके अगल बगल ही है, ऐसा उसका मेंटल स्थिति रहता है। हाइपोकॉन्ड्रैक विथ हेमोराइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन, वो हाइपोकॉन्ड्रैक पेशेंट रहता है, मतलब वो अपने हर चीज़ को एग्जैजरेट करके बताता है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताता है। मान लो उसको पेट में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बोलेगा बाप रे डॉक्टर मेरा तो पेट बहुत फटा जा रहा है, ब्लास्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो बोल रहा है, जबकि उसको नॉर्मल पेन ही है पेट में, तो वो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट है। तो ऑर्गन में हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट का मेंशन किया गया है केस टेकिंग पार्ट में, तो होप आप लोग को पता होगा हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट क्या होता है, जो रोग का जो उसका डिजीज है उसका फान करता है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ठीक है, विथ हेमोराइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन। और ये जो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट है उसको पेट का प्रॉब्लम रहेगा, पॉटी अच्छे से नहीं निकला, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा, और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम उसको है बहुत दिनों से, इसीलिए उसको हेमोराइड्स पाइल्स भी हो जाएगा, बवासीर होगा उसको। स्ट्रेंज टेम्पर, उसका जो टेम्पर है मतलब वो कब क्या कर दे, वो बहुत स्ट्रेंज है, उसका नेचर बहुत स्ट्रेंज है। क्या क्या टेम्पर स्ट्रेंज क्यों है, लाफ्स एट सीरियस मैटर, मान लो कोई सीरियस मैटर जैसे मान लो कोई मर गया है, फिर किसी का चोरी हो कुछ किया, वो उस पर हंसेगा, एंड इज सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स, अगर कुछ हंसी मजाक वाला चीज़ है तो उस पर सीरियस हो जाएगा वो। थिंग्स हर सेल्फ अ डेमन, वो अपने आप को सोचेगा कि हम राक्षस हैं, हम जानवर हैं, हम मतलब दैत्य हैं, ऐसे वो सोचेगा, ठीक है, डेमन है मतलब हम बैड पर्सन है, ऐसे सोचेगा। कर्जेज एंड स्वेयर, वही जो ऊपर बोला, वो दूसरे को श्राप करेगा, दूसरे को कुछ कुछ बोलते रहेगा और हमेशा कसम खाते रहेगा कि हम इसके ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, ठीक है। सेंसेशन, नेक्स्ट पॉइंट है सेंसेशन एज ऑफ अ हुप और बैंड अराउंड अ पार्ट, उसको मतलब कोई भी पार्ट है, मान लो हाथ है या पेट है, उसको ऐसा लगेगा कि उसके अराउंड एक बैंड बांध दिया गया, उसको सेंसेशन होगा, सेंसेशन मतलब उसको ऐसा लगेगा जबकि वो असल में नहीं होता है। और ब्रैकेट में मेडिसिन से वो देख लीजिएगा, कैक्टस कलकेरा कार्बन सल्फर, ठीक है। सेंसेशन और कैसे कैसे रहेगा, और एज ऑफ अ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग, उसको लगेगा कि कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट मतलब शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं है, धार वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ब्लंट मतलब जैसे मान लो एक बॉल हो गया जो गोल है थोड़ा ब्लंट, उसमें कोई कटने वाला चीज़ नहीं है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है लगेगा कि वो उस जगह पे दबा रहा है, और उस जगह पे बैंड एक रस्सी टाइप बैंड एक बांध दिया हुआ, ऐसा लगेगा कोई भी पार्ट पे। एज ऑफ प्लग इन द इनर पार्ट्स, ऐसा लगेगा कि कोई ठप्पा लगा दिया है, ठप्पा लगा दिया है, प्लग मतलब एक ठप्पा लगा दिया है, ठेप जो बोलते हैं ना, ठप्पा लगा देना, प्लग मतलब प्लग लगा देना, मतलब जैसे सॉकेट में क्या होता है प्लग लगा देते हैं ना, तो क्या ठेप लगा देना मतलब उसको बंद कर देना ऐसे, उसी को लगता है इन द इनर पार्ट्स, इनर पार्ट्स मतलब अंदर का पार्ट, एग्जाम्पल रेक्टम, उसको जब वो पॉटी करने जाएगा तो उसको लगेगा कि मेरा रेक्टम मेरा एनस में कोई ठप्पा लगा दिया, कोई प्लग घुसा दिया है, कोई ऐसा कर दिया, बंद कर दिया उस रास्ता को, तो इनर पार्ट्स मतलब यही होता है। होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना कर रहा हूँ, जितने जल्दी हो सके और जितने अच्छे से हो सके, ठीक है। फिजिकल जनरल का एक पॉइंट है वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, उसका जितना भी सेंस है, चाहे ये आइज का साइट हो, सुनने का क्षमता हो, टेस्ट करने का क्षमता हो, जितना भी सेंस ऑर्गेन होता है सबका जो वीकनेस हो जाता है उसको, क्योंकि उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा है तो सारा वीक होगा ही ऑब्वियसली। हेड सिम्टम पे आते हैं तो हेडेक रिलीव्ड इंटायरली व्हेन ईटिंग, तो हेडेक कब उसका आराम लगता है, जब वो खाता है तब आराम लगता है, सुराइनम भी एक मेडिसिन है। हेडेक और कब होता है, व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट, जब वो रात में बेड पे सोने जाता है, ठीक है, बेड पे बिस्तर पे सोने जाता है तब उसका बढ़ जाता है प्रॉब्लम, हेडेक हो जाता है। एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग एस्लीप, जब वो सोने वाला होता है, जब उसको नींद आने लगता है तब हेडेक होता है। वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, जब वो चलते रहता है तो उसका हेडेक बढ़ जाता है, कुछ काम करते रहता है तो उसका हेडेक बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल के फॉर्म में, क्योंकि सीडेंट्री पर्सन क्या होता है, जो कुछ काम नहीं करता, अब कुछ काम नहीं करता उसको क्या होता है, गैस बन जाता है पेट में, ठीक है। अब गैस बनने के कारण क्या होता है कि आप लोग सुने होंगे कि मेरा गैस जो है माथा पे चढ़ गया है, मेरा गैस जो है यहाँ छाती में चढ़ गया है, तो ये हेड पे चढ़ जाता है, इसका गैस जो रहता है वो माथा पे चढ़ जाता है, माथा दर्द देने लगता है गैस के कारण, यही यहाँ पे बोल रहा है गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक्स ऑफ सीडेंट्री पर्सन, मतलब गैस का हेडेक माथा पे चढ़ रहा है, माथा दर्द नहीं दे रहा है, माथा दर्द जो दे रहा है गैस के कारण दे रहा है।
तो आर्जेंटम नाइट्रिकम और ब्रैनिया नक्सवोमिका बहुत अच्छा मेडिसिन है अगर गैस्ट्रिक हेडेक के लिए। एक और मेडिसिन है शायद टेबेकम या टेरेक्सम, हाँ ऐसे कुछ मेडिसिन है, एक बार देख लीजिएगा, वो भी गैस्ट्रिक हेडेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद टेबेकम था या टेरेक्सम ऐसे था कुछ, ठीक है मैं भूल रहा हूँ, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भी गैस्ट्रिक हेडेक में बहुत ही अच्छा काम करता है क्लिनिकली। अब आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम पे, तो एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वो कुछ भी खाता है और पीता है तो उसका गला जो है फंस जाता है, चोक हो जाता है, मतलब वो सांस नहीं ले पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, बंद हो जाता है, उसका सफोकेशन हो जाता है उसको जब भी वो खाता है पीता है तो। ठीक है ये ब्रैकेट में सारे मेडिसिन है, वो आप देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा आप। स्वेलो, नेक्स्ट पॉइंट है स्वेलोज फूड एंड ड्रिंक हैस्टिली, जो खाना वो खाता है वो चबाता नहीं है, वो निगल जाता है, ठीक है। ड्रिंक्स हैस्टिली, पानी वो फटाफट फटाफट एकदम स्पीड में पीता है, ड्रिंक हैस्टिली, हैस्टिली मतलब वही होता है। सिम्टम्स डिसअपियर वाइल ईटिंग, जब वो खाना खाने जाता है तो उसका जितना भी प्रॉब्लम रहता है हेडेक से लेके सब कुछ वो खत्म हो जाता है, खाना खाने से उसको अच्छा फील होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टमक सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल गॉन, तो पेट खाली खाली लगता है, उसको लगता है जैसे भूख हड़ताल कैसे करते हैं, भूखा रहते हैं फास्टिंग हम लोग करते हैं, तो पेट खाली खाली कैसे हो जाता है उसको, ऐसा लगता है ऑल गॉन, लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पेट में कुछ है ही नहीं, भूख लग रहा है। कम्स ऑन ओनली वेन स्टमक इज एम्प्टी, और ऐसा सेंसेशन कब लगता है, जब उसका पेट खाली रहता है तभी। एंड इज एमोलिएटेड बाई ईटिंग, जब वो खाएगा, जैसे हम लोग ऊपर ही पड़े खाने से उसका अच्छा लगता है, तो जब वो खाएगा तो इसका ऑल गॉन सेंसेशन, जो खाली खाली पेट है वो ठीक हो जाएगा। चिलिडोनियम आयोडीन भी मेडिसिन है, और भी एमोलेट कब करता है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब वो पेट में खा लिया और वो खाना जब पचता है तब भी उसको अच्छा लगता है, स्टमक में ऐसा फीलिंग नहीं आता है फिर पचने द्वारा। रिवर्स ऑफ ब्रैनिया नक्सोमिका, ब्रैनिया और नक्सोमिका इसके रिवर्स होता है, उसका जब डाइजेशन प्रोसेस चलता है तो दोनों में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ग्रेट, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विथ एफर्ट द डिजायर पासेज अवे विदाउट इवेक्यूएशन, उसको बहुत ज़्यादा मन करता है हमको पॉटी करने का, ठीक है, बट जब वो पॉटी करने जाता है और जोर लगाता है पॉटी करने के लिए, तो उस समय उसको पता चलता है कि उसका डिज़ायर जो था कि हमको पॉटी करना वो मर चुका है, उसको अब नहीं मन कर रहा है पॉटी करने का, जब वो पॉटी करने गया है और वो जोर लगा रहा है पॉटी करने के लिए, उसका डिज़ायर तो ख़त्म हो गया है और उसके साथ से उसका पॉटी हो भी नहीं रहा है विदाउट इवेक्यूएशन। रेक्टम सीम्स पावरलेस पैरालाइज्ड, रेक्टम जो उसका रेक्टम एनस जो वहाँ पे है उस वो लगता है उसमें दम ही नहीं है, पॉटी ही नहीं निकल रहा है, पैरालाइसिस मार दिया उसको, कोई सेंसेशन ही फील नहीं हो रहा वहाँ पे। जैसे मैंने ऊपर बोला था कि एज ऑफ अ प्लग इन इनर पार्ट सेंसेशन वाले पॉइंट में, अब देखिए यही चीज़ वहाँ पे लिख रहा है, विद अ सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप, मैंने बताया था आपको, तो उसको कैसा सेंसेशन लग रहा है, रेक्टम में कोई ठेप लगा दिया, कोई बंद कर दिया रेक्टम को, ऐसा सेंसेशन है, प्लग कर दिया उसको, ठीक है, कैसे सॉकेट में प्लग लगाते हैं वैसे ही उसको प्लग कोई लगा दिया, और ठेप को बंद कर दिया, उस छेद को बंद कर दिया रेक्टम का, ऐसा लगेगा उसको। इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक और ओवर एक्शन नक्सवोमिका है, अगर इरेगुलर पॉटी हो रहा है और उसका इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक और ओवर एक्शन, अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इरेगुलर पॉटी हो रहा है तो नक्सवोमिका, उसका मेडिसिन यही वहाँ पर लिख रहा है। तो ये हो गया स्किन का सिम्टम में, वॉट्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी, अगर हाथ के हथेली पर अगर वॉट हो गया है, मस्सा हो गया है, ठीक है, तो वो काम करता है एनाकार्डियम और नेट्रम म्यूर भी मेडिसिन है, दोनों बहुत अच्छा काम करता है पाम्स ऑफ हैंड्स पे। अब रिलेशन पे आते हैं, तो कंपेयर करने बोला गया है रस्टॉक्स को, रस्टॉक्स के तीन वेराइटीज को, रस आर, रस टी, रस वी, तो ये बोरिक में मिल जाएगा, इसके तीन वेराइटी क्या है, उतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, तो मोस्टली ये राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट तरफ इसके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो जाते हैं, जैसे हेडेक हो गया तो हेडेक पहले राइट में होगा फिर लेफ्ट में जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो। और लाइकोपोडियम में भी सेम चीज़ है, राइट टू लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाइवा के लिए भी, स्पेशली लाइकोपोडियम का, कहाँ से जाता है राइट टू लेफ्ट। एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर लाइकोपोडियम पल्सेटिला, लाइकोपोडियम दे दिए पल्सेटिला दे दिए उसके बाद कौन सा मेडिसिन आ जाएगा, एनाकार्डियम आ जाएगा, ठीक है। एनाकार्डियम फॉलोज एंड इज वेल फॉलोड बाय प्लैटिनम, तो प्लैटिनम मेडिसिन किसी को दिए हैं तो उसके बाद एनाकार्डियम दे सकते हैं, या फिर एनाकार्डियम दिए तो उसके बाद प्लैटिना दे सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है एनाकार्डियम ओरिएंटल
आई डोंट थिंक कि कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है दोबारा से बैठिए बुक लेके और मेरे वीडियो को वापस से देखिए कि एक लाइन समझ में आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल को और ऐसे ही देखते रहिए हमारे जो ड्रग के जो एक्सप्लेनेशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।